तो तस्वीरों वाले खबरों की शुरुआत सबसे अच्छी खबर के साथ करते हैं। बिहार के मुंगेर में बोरवेल में फंसी बच्ची को बचा लिया गया है। अट्ठाईस घंटे के मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 42 फीट नीचे बोरवेल में फंसी 3 साल की मासूम सना को बाहर निकाल लिया गया। बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है। बोरवेल से निकाले जाने के बाद सना को अस्पताल ले जाया गया। जिस गड्ढे में सना फंसी थी उसके बगल में एक और गड्ढा खोदकर उसे निकाला गया। बोरवेल में बच्ची करीब 31 घंटे तक फंसी रही। सना मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे 110 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी और 42 फीट पर फंस गई थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने सना को सही सलामत बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान बच्ची का पैर फंसा होने की वजह से उसे सुरक्षित निकालने में थोड़ी देरी हुई। गुजरात के बड़ौदा में मोबाइल ब्लास्ट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल एक युवक को शिकायत थी कि उसका मोबाइल जरूरत से ज्यादा गर्म होता है। ये अपना मोबाइल लेकर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर लेकर पहुंचा था। जेब में रखा मोबाइल जब ज्यादा गर्म हो गया तो उसने इसे टेबल पर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। देखते ही देखते मोबाइल से धुआं निकलने लगा। मोबाइल से धुआं निकलता देख लोग वहां से हट गए, लेकिन इसी बीच मोबाइल से धुआं और तेजी से निकलने लगा। तभी एक शख्स ने पैर से मारकर मोबाइल को दुकान से दूर किया। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हैरान कर देने वाला हादसा हुआ। यहां ट्रक से कुचलकर उसी के ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन यह पूरा हादसा जिस तरह से हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस घर के सामने ट्रक आकर रुकता है। इसके बाद ट्रक की बत्तियां बुझ जाती है और वो बंद हो जाता है। ट्रक से उतरकर ड्राइवर घर की तरफ बढ़ता है और गेट खोलता है। इसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला था। गेट खोलकर ड्राइवर जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा ट्रक आगे की तरफ बढ़ने लगा। ट्रक को आगे बढ़ता देख ड्राइवर ने भागकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वो नीचे गिर पड़ा और ट्रक उसको रौंदता हुआ आगे आकर दीवार से टकरा गया। एक बार फिर से देखिए कैसे सड़क पर खड़ा ये ट्रक अचानक आगे बढ़ने लगा। आंध्र प्रदेश के नल्लोर में भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। थाने में घुसे लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। दरअसल नेल्लोर के रापुर पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में एक युवक को हिरासत में लिया था, जिसके बाद लड़के की मां थाने पहुंच गई। पहले तो उसने पुलिस वालों से गाली गलौज की, बाद में गांव के और लोगों को बुला लिया। गांव के लोग जैसे ही थाने पहुंचे उन्होंने यहां तैनात पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई के एरोली स्टेशन पर आरपीएफ के इंस्पेक्टर की फुर्ती ने एक महिला की जान बचा ली। महिला लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ी। तभी वहां मौजूद आरपीएफ इंस्पेक्टर ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। हादसे की तस्वीरें स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं।
गनीमत ये रही कि हादसे में महिला को ज्यादा चोट नहीं आई और आरपीएफ इंस्पेक्टर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक लूट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यहां एके से लैस आतंकवादी स्टेट बैंक के ब्रांच में घुस गए। सभी आतंकियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। इन आतंकियों ने बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। वहां मौजूद ग्राहकों को भी एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। बैंक में उस वक्त ज्यादा कैश नहीं था। लूटपाट के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। उत्तर प्रदेश के इटावा में भीड़ ने एक चोर की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ के हाथों पिटाई में चोर एक लड़की का मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की ने इसे पकड़ लिया। इतने में भीड़ इकट्ठा हो गई और चोर को पीटने लगी। लोगों ने चोर को जमीन पर गिरा दिया और लात घूसों से इसकी पिटाई करने लगे।